जनसंघ संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बीवी रानी मौर्य ने उनको नमन किया। बालूगंज आगरा स्थित कैंप कार्यालय पर कैबिनेट मंत्री ने डॉक्टर मुखर्जी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित करके भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान गगनभेदी नारों से वातावरण गूंज उठा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने अपने प्राणों की परवाह नहीं करते हुए एक देश दो विधान का जमकर विरोध किया था। उन्होंने एक देश एक विधान का नारा देते हुए कश्मीर को भारत के लिए अथक संघर्ष किया था। भारतीय जनता पार्टी परिवार उनके आदर्शों पर चलने के लिए सदैव संकल्पित है। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है, जो देश के लिए शहीद हो गए। वो कश्मीर में तिरंगा लहराने गए थे, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया और किस तरह उनकी मृत्यु हुई आज तक कोई नहीं जान सका है। ऐसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो देश के लिए बलिदान हुए और हम सब के लिए प्रेरक हैं, आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरक हैं कि जितने भी देश के ऊपर कोई भी आतंकवादी खतरा हो, चाहे अन्य प्रकार का कोई भी बाहरी खतरा हो, उससे लड़ने के लिए आज हमारे युवा तैयार हैं।